Everyone and welcome to Civil Engineering Funda. Today we are going to discuss about the guidelines for the design. मैं lectures ये बहुत ही simple सा छोटा सा topic है, मैं फटाफट खत्म करता हूँ कि क्या guidelines है design distribution system के design के लिए, ठीक है ना। तो पहले बात तो जो main of distribution system है उनको हम तीन part में divide करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना mains, the mains of distribution system डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है, पहले को बोलते हैं ट्रंक मैन, दूसरे को बोलते हैं प्रिंसिपल फीडर, और तीसरे को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ स्मॉल फीडिंग्स और फीडिंग सर्विसेज और कंज्यूमर सप्लाई पाइप्स, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है आपका ट्रंक मैन, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा प्रिंसिपल फीडर मैंस, प्रिंसिपल फीडर मैन, और तीसरा जो होता है नेटवर्क ऑफ स्मॉल मेन्स फीडिंग सर्विसेज और कंज्यूमर सप्लाई पाइप, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनके लिए गाइडलाइंस दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रंक मैन की गाइडलाइन क्या है, ठीक है, उसके बाद से बाकी की हम देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं ट्रंक मैन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ट्रंक मीन्स इसकी गाइडलाइंस की क्या दी गई है, सबसे पहले जानो ट्रंक मीन्स कितने डायमीटर के होते हैं, ठीक है ना। इनके डायमीटर के लिए कितनी की बात कही गई है, तो दे आर लार्ज डायमीटर पाइप्स टेकिंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, ठीक है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व सोर्स, मान लो कोई नदी है सोर्स, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, नदी चाहे लेक्स हो सकते हैं, सोर्स कुछ भी, रिवर हो गया या लेक हो गया, ठीक है ना, जहाँ से हम क्या लाते हैं पानी, सोर्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम सोर्स से कहाँ लेकर आ रहे हैं, सोर्स से हम जिस पाइप के थ्रू, ये मान लो पाइप है, ठीक है, रिजर्वायर में लेके आते हैं, ठीक है ना, चाहे स्टोरेज टैंक में पानी हम लेकर आए, कहाँ पानी लेकर आए, सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर तक, ठीक है, रिजर्वायर है आपका। तो विद द हेल्प हम किसके लाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रंक मैन, क्या बोलते हैं इस पाइप को, ट्रंक मेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही, इसके डायमीटर क्या होता है, लार्ज डायमीटर याद रखना, बहुत ज़्यादा होता है लार्ज डायमीटर के होते हैं ये, ठीक है ना। और कहाँ से लेकर आते हैं इनको, पहले तो हमने क्या किया, रिवर चाहे सोर्स लेक से हम कहाँ तक ले गए, रिजर्वायर तक लाया, और उसके बाद फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्वायर टू द फीडर मैन तक लेके जाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं इसे, अब यहाँ से हमने फिर निकाला और फीडर मैन तक लेके जाएंगे, ये भी ट्रंक मैन ही है, क्या है ये वाला पार्ट भी होता है ट्रंक मैन, ठीक है ना। अब ये फीडर तक लेके जाएंगे, फीडर मेन तक, ठीक है। तो ट्रंक मेन आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ, तो पहले सोर्स से रिजर्वायर में लेके आना और फिर रिजर्वायर से फीडर मेन तक लाना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ट्रंक मेन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है प्रिंसिपल फीडर मेन की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल फीडर मेन की, तो प्रिंसिपल फीडर मेन ये बहुत डायमीटर में वेरी करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनका डायमीटर जो है चेंज होता है, डाया इनका पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन करके हम डायमीटर चेंज करते हैं, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर ज़्यादा डायमीटर का हम क्या करते हैं, फीडर मैन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फीडर मैन, ठीक है। या फिर एरिया ज़्यादा है तो उस हिसाब से एरिया और पॉपुलेशन पर हम क्या करते हैं, इसको बेस करते हैं, एरिया पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है इसका डायमीटर, ठीक है ना। तो जैसे अर्बन एरियाज़ की मैं बात करता हूँ, तो अर्बन एरियाज़ में इसका जो डायमीटर वेरी करता है वो आपका 225 mm होता है, ठीक है। चलो फीडर मैन खत्म, अब नेटवर्क देख लो, नेटवर्क मैन क्या होता है, वही जो कंज्यूमर पाइप्स होते हैं, ठीक है, नेटवर्क मैंस उसको बोलते हैं। तो नेटवर्क मैंस जो होता है, नेटवर्क मेंस जो होता है ये, इसकी जो डायमीटर है वो 100 mm से कितनी होनी चाहिए, 300 mm होना चाहिए, ठीक है। तो गाइडलाइंस ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, अब देखते हैं कि प्रेशर कितना होता है, ठीक है। गाइडलाइंस इतने तक था 100 to 300 mm, ठीक है ना, 100 to 300 mm क्या होना चाहिए आपका नेटवर्क में, फीडर मेंस आपको कितना होना चाहिए, 225 mm, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब की मिलेंगे तो अब देखेंगे प्रेशर कितना होना चाहिए, ओके, सी यू नेक्स्ट।